सो हे दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। मैं हूं माधव एंड आप देख रहे हो फिनेटिक आर्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप किसी भी पोर्ट्रेट को, किसी भी पिक्चर को कैसे एकदम एज इट इज़ उतार सकते हो। मतलब आप उसके आउटलाइन को एकदम प्रॉपर आउटलाइन कैसे बना सकते हो। तो यार, आज रामनवमी है और आज मैंने सोचा कि क्यों ना भगवान राम की तस्वीर को बनाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सामने एक फ़ोन में पिक्चर है भगवान श्री राम का, तो उसे ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यार देख रहे हो कि आप, मैं कोई भी ग्रिड मेथड वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, मैं ऐसे फ्री हैंडेड ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यार बस मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप फ्री हैंडेड ड्रॉ कैसे कर सकते हो। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ साथ कमेंट सेक्शन में यार जय श्री राम भी लिख के जाना। तो चलो वीडियो को देखो। तो यार सबसे पहले तो पिक्चर में आपको जो दिख रहा है, ठीक है, आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ मतलब डायग्राम्स के थ्रू बनाने की कोशिश करो। लाइक जैसे कि माथे की जो चोटी है, आप उसको थोड़ा सर्कुलर लेके बनाओ, क्योंकि सर्कल इजी होता है, सर्कल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं। तो आप यार उसके थ्रू ना इस पिक्चर्स को निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैं फ्री हैंडेड ड्रॉ कर रहा हूँ, जो दिख रहा है मेरे को मैं वैसे ही बना रहा हूँ। तो आपको पिक्चर को देखना है प्रॉपर, आपको एंगल्स का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितने एंगल पर किस चीज़ को टर्न लेना है, कैसा ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वैसा आपको सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखो मैं फेस पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, तो यार फेस में कर्व आते हैं बहुत जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जायज है कि मिस्टेक हो सकता है, तो यार आप कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको उस मिस्टेक को इरेज करना है, आपको फिर से ट्राई लेना, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपका परफेक्टनेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा यार फेस में टर्न लेते समय यार थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने उसको इरेज किया एंड मैंने फिर से ड्रॉ किया। तो सबसे पहले तो देखो मैंने हेयर्स वगैरह को एकदम जैसा पिक्चर में दिख रहा है मैं वैसा बना रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना यार प्रैक्टिस, आपको अपना स्किल्स निकालना है। आपको जो दिख रहा है, ठीक है, लाइन दिख रहा है वैसा ड्रॉ करो। ऐसा नहीं कि यार आपको कर्व दिख रहा है आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो यार वैसे तो ड्राइंग कभी नहीं होने वाली आपकी। अब मैं यहाँ पे इनके धनुष की बाण बना रहा हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि पिक्चर में इस बाण ही कहते हैं, शायद जो कहते हैं, उसमें चार स्ट्रेट लाइंस हमें दिख रहे हैं क्लियरली, ठीक है, एंड उन चारों के बीच में कुछ गैप्स है। तो यार हमें उन्हें फॉलो करना है जो हमें दिख रहा है। अगर यहाँ पे चार लाइन है तो हमें भी चार लाइन ड्रॉ करना है, तभी एकदम एज इट इज़ यार प्रॉपर लगना चाहिए ना, कि आप पिक्चर देख के बना रहे हो, ठीक है। तो हमें एकदम एवरी स्टेप को फॉलो करते हुए चलना है एंड जहाँ पे जितना गैप्स दिख रहा है हमें उस गैप को उसी हिसाब से करना है। आपको बस डिस्टेंस खुद से मेंटेन करके रखना है। तो देखो अब यहाँ पे मैं पिक्चर को एकदम क्लियरली विजुअलाइज कर रहा हूँ, एकदम पिक्चर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिक्चर में जो माला है, ठीक है, और ये जो इनका धनुष का जो भी है, रस्सी है, जो भी है, ठीक है, तो वो जिस जगह पे प्रॉपर उस डिस्टेंस को मेंटेन करके बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ चेस्ट है एंड चेस्ट के ऊपर एक माला जा रहा है, तो मुझे वही डिस्टेंस को मेंटेन करना है। दूसरा माला जो है वो यार चेस्ट के नीचे से होते जा रहा है एंड ऊपर की ओर जा रहा है। तो पिक्चर से आपको देख करके विजुअलाइज करना है कि प्लेस कहाँ पे करना है आपको ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एंड आप पहले यार देखो माला है, आप सर्कुलर स्टार्ट मत कर देना डायरेक्ट, कि आप पहले सर्कल से ही माला बनाओ। आप पहले लाइन लो, आप उसको कर्व में करो एंड उसके बाद आप उसमें सर्कल बनाओ, तो यार ये ज़्यादा परफेक्ट होगा, आपका माला भी एकदम प्रॉपर लगेगा एंड आपका एंगल भी बहुत सही आएगा। तो अब यहाँ पे आता है सबसे टफ पार्ट एक पोर्ट्रेट में जो एक आर्टिस्ट फेस करता है, ठीक है। सबसे टफ होता है आपको फेस को ड्रॉ करना, फेस के अंदर में आईज, आईब्रोज, आप उसको कैसे लोगे। तो यार यहाँ पे देखो सबसे इजी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि यार आप पिक्चर देखो, पिक्चर में यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आईब्रो है भगवान श्री राम का, वो इनके दोनों कान के स्ट्रेट में है। तो बस मैंने उसी स्ट्रेट जगह पे एक स्ट्रेट लाइन ले लिया जिससे कि मेरा प्रॉपर मेजरमेंट हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि इनका लिप्स और इनका जो माथे का तिलक है वो माथे की चोटी और नीचे का जॉ उसके स्ट्रेट में, तो वहाँ पे मैंने एक और स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ इनके नोज़ का स्ट्रेटनेस, यहाँ पे देखो नोज़ नाक कान जो है कान के सबसे नीचे वाले पार्ट से स्ट्रेटली होके जा रहा है इनका नोज़ एंड उस जगह पे नोज़ प्लेस होगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया एंड अब यहाँ आ गया लिप्स एंड लिप्स ले लिया मैंने नाक से थोड़ा सा नीचे एक स्ट्रेट लाइन, जो कि बहुत ईजी रहेगा हमें पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए।
तो जैसा कि हमने लाइंस ड्रॉ किया था, अब हमें उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन लिया था ताकि हम माथे का तिलक बना सके। अब हमें उसी लाइन का यूज़ करके, उसी लाइन के हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट रखना है सही जगह पे। यहाँ पे देखो, मैं तिलक को यार एकदम जो लाइन है उसके अपोजिट दोनों साइड पे एकदम प्रॉपर वैसे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही हेल्पफुल है, देखो ग्रिड नहीं यूज़ कर रहे हम लोग, बिना ग्रिड के एकदम फ्री हैंडेड कर रहे हैं। एंड फ्री हैंडेड का सबसे ईजी और सबसे बेस्ट मेथड जो है वो यही होता है, तो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, उसको हम इरेज करेंगे एंड फिर से ड्रॉ करेंगे। अब हम बनाते हैं भगवान श्री राम जी का आईब्रो। पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया था एंड वो आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो यार उसी स्ट्रेट लाइन के हेल्प से हम भगवान के आईब्रो बनाएंगे, वो भी एक साइड नहीं, दोनों साइड एंगल को मेजर करते हुए। देखो हमारा आईब्रोज तो हो गया, लेकिन अब आईज़ ड्रॉ करना, एंड आईज़ भी टफ होता है, तो उसके लिए भी यार हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसके मेज़रमेंट से हम लोग दोनों तरफ में आईज़ को प्लेस करेंगे, आईज़ को ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, यार मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया एंड अब मैं उसी स्ट्रेट लाइन की हेल्प से आईज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। यार आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड आप फ्री हैंडेड ड्रॉ करना भी बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो चलो, यहाँ तो बात आँख की हो गई, हमने आईज ड्रॉ कर लिया एंड अब हम यहाँ पे आते हैं नोज़ पर। तो यार आपको पता होगा कि नोज़ जो है वो नीचे से सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है, एंड उसको ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम पहले एक पूरा प्रॉपर सर्कल बना लेते हैं, जिससे कि यार जो नोज़ का नीचे वाला पार्ट होता है ना वो हमारा ठीक तरीके से कर्व हो जाएगा एंड हम साइड से बस नोज़ के बॉर्डर्स को ड्रॉ कर लेते हैं एंड फिर बाद में क्या करेंगे कि जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है हम उसे इरेज कर देंगे एंड नीचे वाले कर्व पार्ट को छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा नोज़ प्रॉपर दिखेगा। तो अब यहाँ पर हमारे लिप्स बनाना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ किया था जिसको ध्यान में रखते हुए हमें उस लिप्स को बनाना है एंड वो दोनों साइड में प्रॉपर मेजरमेंट की हेल्प से एक दोनों साइड में प्रॉपर लिप्स का शेप आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको पिक्चर को, रेफरेंस को ध्यान में रखना है, आप जिस भी पिक्चर को देख के बना रहे हो एंड आपको बस लाइंस को फॉलो करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में यार हमारे लिप्स जिस तरीके से, हमें बस उसे उस हिसाब से टर्न करना है एंड बस प्लेस कर देना है। तो यार वीडियो बस यही था, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आप सभी को यार एक बार फिर से रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पोर्ट्रेट का कलरफुल पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है एंड आप वो पार्ट मिस ना करो यार, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।